अपनी सफेद चादर ईमानदारी का लोहा पूरे हिंदुस्तान में मनाया। वो भारत के विदेश मंत्री रहे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, वो आरएल भाटिया साहब ऑल इंडिया कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रहे और आदि शताब्दी तक पंजाब की सियासत के सबसे बड़े महारथी के तौर पे मेंबर पार्लियामेंट बनते रहे हैं। और आज के इतिहास में आरएल भाटिया साहब का ऐतिहासिक 100 साल उन्होंने पूरे किए हैं। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, क्योंकि मैंने तो उनकी उंगल पकड़ करके चलना सीखा है और हम मेरे जैसे पता नहीं कितने वर्करों को उन्होंने इज्जत बख्शी है, शोहरत बख्शी है और कितने गरीबों को आगे बढ़ाया है। और मुझे ये पता है कि आरएल भाटिया साहब का जो सपना है कांग्रेस को आगे बढ़ाने का, देश में कांग्रेस आगे बढ़ेगी। और उन्होंने कहा कि परिंदों को मंजिल मिलेगी, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वही कमाते हैं नाम पूरे हिंदुस्तान में, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, आरएल भाटिया के हुनर पूरे हिंदुस्तान में गूंजते हैं, विदेश नीति के निर्माता कहा जाता है। 100 साल पूरा करने पर मैं आरएल भाटिया साहब को मुबारकबाद देता हूं और उनके चरणों में वंदना करता हूं।